something? I think hope it is done. We can order out now. Nimisha! तो पहली चीज़ तो पॉजिटिवली अफरोज सर ने जो किया है इज़ बिन रिमार्केबल और उन्होंने एक एग्जाम्पल सेट किया है कि हम इस सिटी में रहते हैं एज सिटीजन्स हमने कुछ करना चाहिए. तो ये एडिडास ने जो टाइप किया है जो हम हर संडे आते हैं सुबह और क्लीन करते हैं हमारी ड्यूटी हम कर रहे हैं एंड वी जस्ट होप मोर पीपल कम आउट. जब हम यहाँ पर आते हैं तब समझ में आती है बात कितनी ग्रेव है, हम लोगों ने नेचर को कितना मिसयूज़ किया है. क्योंकि हम जब यहाँ आते हैं तब देखते हैं कि हर संडे जब हम क्लीन करते हैं तो उसका कुछ असर लगता ही नहीं है. तो बहुत ही दुख लगता है क्योंकि मेरे पिताजी बम्बई से थे और वो कहते थे कि यही जुहू वर्सोवा का पानी नीला होता था, यहाँ पर डॉल्फिन्स होते थे और वहाँ से 30 साल बाद ये स्थिति है. तो बहुत ही दुख की बात है एंड वी मस्ट डू समथिंग अबाउट इट. ये भी बोलना गलत होगा कि हम गवर्नमेंट को या किसी को ब्लेम करें. जी भी कहना गलत होगा. मेरे हिसाब से तो बिल्कुल गलत है क्योंकि हम घर बैठते एसी कमरों में बैठते हैं, एसी गाड़ियों में जाते हैं और कहते हैं गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रहा है. वही एसी गाड़ियों से खिड़की नीचे करते हैं और कचरा बाहर फेंकते हैं. तो ये जो कचरा है वो गवर्नमेंट ने फेंका नहीं है, हम लोगों ने खिड़कियाँ नीचे करके कचरा फेंका है. मैं कॉलेज जाती थी तो ट्रेन से जाती थी और लोगों को मैं कहती थी कि आप चॉकलेट रैपर खाते हो, आइसक्रीम खाते हो, वो बाहर मत फेंको. तो वो कहते थे अरे पर गवर्नमेंट है, हम क्यों इसकी देखभाल करें. ये हमारी ड्यूटी है एज सिटीजन्स, हमें ये जानना बहुत ज़रूरत की बात है कि वी शुडंट बी लिटरिंग द सिटी एंड एडिंग टू ऑल दिस मेस.
क्या लगता है कि बदलाव कैसा और कब आएगा, किस लोगों की सोच में बदलाव आना चाहिए, क्या लगता है? बदलाव अगर हम पॉजिटिवली देखें तो ज़रूर आ रहा है। अफरोज सर के जैसे लोग जो काम कर रहे हैं, या अभी जो नई पॉलिसी बीएमसी ने मतलब इन महाराष्ट्र कंप्लीट बैन ऑन प्लास्टिक्स, रेस्टोरेंट्स में स्टॉल्स नहीं है, सब्जी वालों के पास बैग्स नहीं है, तो द गवर्नमेंट इज़ डेफिनेटली हेल्पिंग। आई फील एज सिटीजन्स हमें कोऑपरेट करना चाहिए, और जब हम जाकर सब्जी लाते हैं और कहते हैं नहीं भैया बैग दो, क्यों बैग दे, क्योंकि बैन है, क्योंकि ये दिशा है, तो वी नीड टू कोऑपरेट एंड हमेशा गवर्नमेंट पर ब्लेम नहीं करना चाहिए, वी शुड टेक अप द इनिशिएटिव एंड डू समथिंग। बॉलीवुड फिल्मों ने हमेशा अपना प्रभाव, अवेयरनेस, उनका अलग ही तरीका रहा है लोगों तक अपना बात कहने का, अवेयरनेस फैलाने का, जैसे अक्षय कुमार ने जी किया है और टॉयलेट में, तो इस ये मुद्दे को लेकर भी प्रॉपर फिल्म बननी चाहिए और ज़रूर बननी चाहिए आई फील, क्योंकि टॉयलेट एक प्रेम कथा हो या पैडमैन हो, देव बिन सब्जेक्ट्स विच बाल्की सर टेकन अप फॉर पैडमैन, एंड अवेयरनेस क्रिएट होती है डेफिनेटली, एंड इफ देर इज समथिंग दैट कम्स अलॉन्ग, अगर कोई अच्छी स्क्रिप्ट हो तो आई थिंक ज़रूर इट्स समथिंग दैट वी शुड डेफिनेटली लुक इन टू। ब्रेकिंग, मुझे बहुत बहुत बुरा लग रहा है यहाँ पे देख के, यू नो यू सी इट इन पिक्चर्स, आप पिक्चर्स में देखते हैं और ऐसा बुरा लगता है पर रियल नहीं लगता है, और जब आप यहाँ पे आएंगे ना तब थोड़ा सा हिट हो जाता है कि ओ माय गॉड, यू नो हमने क्या किया, क्या किया, एंड आई थिंक देयर दिस दिस रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग ऑफ आवर कंट्री, मतलब आप घर साफ रखेंगे पर हमारा देश ने, पर देश तो घर है, एंड आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई नोबडी कीप्स इट क्लीन, वी हैव टू स्टॉप, यू नो इट्स रूइनिंग आवर
country, it's ruining our sea life, it's ruining our animals' lives, Mother Nature's lives, and I think, you know, ADIDAS is doing a wonderful job. Mujhe itna acha lagta hai ki main ADIDAS ki family like member hu, and I'm a part of their whole initiative because it's something very close to my heart. But mujhe samajh nahi aa raha hai ki hum jab hum bahar hai tourists hai, you know, hum Europe jaate hai, America jaate hai, hum aisa nahi karenge, par yahan pe kyun karte hai? Like, is India not good enough for everybody? This is one of the best countries in the world. We need to start feeling it and acting like it is, you know? And I'm very sad, like, you know, mujhe bahut emotional feeling ho jata hai yahan pe dekh ke ki ye kya kiya humne, you know? Aur kisi ko aisa kuch farak nahi padta hai kyunki yahan pe nahi aate, you know? They go to their home, they go to work, and they go back home. They go to parties, they go for dinners, they live in their life. But they don't realize that we can't go to the beach because we've destroyed it. And it's a very sad state. So I hope everybody does something. Har din, har din, aur main rukti hu. Matlab aisa nahi hai ki, you know, it's not any kind of class. Everybody, from a person sitting in a Mercedes or a truck driver, sab kaanch niche karte hain aur, you know, kuch kachra phekenge. But I stop them and I tell them to pick it up. I've gotten people to get out of their car and pick it up. Aur jab main shoot kari thi Love School yahan pe Goa mein, if anybody mere samne kuch kachra phek diya na, main shoot ruk diya. Main bola ye uthao, dustbin mein phek do. और मैं शूट वापस शुरू कर देंगे क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता. और मैं, मतलब मेरे पेरेंट्स ने नहीं सिखाया ये सब, मतलब सिर्फ फेंक सकते हैं. एंड आई थिंक इट स्टार्ट्स फ्रॉम होम. सो आई थिंक पेरेंट्स नीड टू स्टार्ट गेटिंग रिस्पॉन्सिबल. एंड आई एम रियली सॉरी इफ आई साउंड डिसरिस्पेक्टफुल, बट पेरेंट्स, बिकॉज इट स्टार्ट्स फ्रॉम द एडल्ट्स. और जितना आपको आप सीख सकते हैं पेरेंट्स के थ्रू, और जितना आप सिखाओगे, you know, then I think it starts from your kids. They'll learn, they'll know what to do, and then they'll start doing it. But right now nobody's learning, and this is why ADIDAS is so amazing, because they've taken this initiative, they've started pushing this drive. And I think Afroz is the most amazing man, and I think I can't wait to meet him, because he's actually an inspiration for me and somebody who does great. And if there were, you know, we have 1.6 billion now, 1.5 billion. If there were even just 1 million of Afrozes in our country, maybe it would make a difference. But hona chahiye, wahi to farak hai. But thank you, ADIDAS, you know, for, you know, doing this. And, you know, wo bhi bahut acha hai ki jo wo plastic waste hota hai na America mein, they turn it into a shoe. And it's called Parle. And now they're going to turn it into apparel, also clothing. And I think that's wonderful. So I'm asking everybody out there, if you belong to our country, India, which is so beautiful, come and help. Let's start cleaning it up. Swachh Bharat doesn't mean just at home. It means our entire country, because this is our home. Yeah? That's it. Thank you.
ग्रेजुअली मूवमेंट आया तो इधर एआर ज़्यादा है उधर जी। मैं बचपन से लेके आई थिंक अभी तक आई हैव स्टेड इन वर्सोवा, मतलब यहाँ पे ही मैं पली बड़ी हूँ, पर मैंने कभी इस साइड तो बीच देखा ही नहीं था, क्योंकि हमने अपने आप को ऐसे कंडीशन कर लिया कि बीच गंदा हो गया तो हम नहीं जाते हैं। तो आज जब मैं आई, आई थिंक एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है एडिडास का, क्योंकि अपनी सिटी को सब साफ करना चाहते हैं, पर हमें नहीं पता कि हम अकेले कैसे करेंगे। तो आई थिंक एडिडास ब्रिंग्स ऑल दीज पीपल टुगेदर, ग्रेट जॉब। सो एडिडास ब्रिंग्स ऑल दीज पीपल टुगेदर, दे मेक अरेंजमेंट्स, तो हमें बस एक मिल जाता है कि ठीक है, हम ऐसे कर सकते हैं। विद सो मेनी पीपल हेल्पिंग अस, इट्स पॉसिबल। अकेले तो ऑब्वियसली कोई नहीं निकल के कर सकता, बट आई थिंक बहुत ही अच्छे, बहुत मज़ा आ रहा है। देख के दुख तो हो रहा है, क्योंकि अब मुझे यहाँ पे आके पता चला है कि इतना कचरा भर चुका है यहाँ पे कि चार फीट ज़मीन के नीचे भी हम प्लास्टिक निकाल रहे हैं, एंड इट विल टेक ईयर्स टू प्रॉपरली क्लीन द बीच। तो आई थिंक एक बहुत ही अच्छा प्लान है ये कि हम हर हफ्ते में एक दिन निकाल के यहाँ पे आए, हेल्प कर ले अपने मुंबई कर लोगों को कि यू नो लेट्स क्लीन द सिटी अ लिटिल, लेट्स क्लीन द बीच। सो मैं तो अभी रेगुलरली आने वाली हूँ, पहली बार हालत देखी तो मुझे बहुत दुख हो रहा है, बहुत बुरा लग रहा है, एंड आई रियली वॉन्ट टू क्लीन दिस प्लेस अप। इट इज़ येस, इट इज़ एब्सोल्यूटली इम्पॉर्टेंट। हमने हमेशा हम क्या करते हैं, अपने घर को साफ करते हैं, कचरा बाहर, बट आई थिंक जब ये रियलाइजेशन आ जाएगा सब में कि मतलब हम जहाँ पे हैं वही हमारा घर है, मुंबई इज़ आर होम एंड एवरी पार्ट ऑफ इट शुड बी क्लीन। इतनी सुंदर शहर, इतनी अच्छी बीचेज़ है, पर हम कभी यहाँ पे आते ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इतना कचरा होता है कि हमें लगता है कि नहीं यहाँ पे क्यों जाए, गोवा जाएंगे बीचेस में, हवाई जाएंगे बीचेस पर, यहाँ पे नहीं आएंगे। सो आई थिंक ये मैंटेलिटी ही चेंज करनी पड़ेगी लोगों की कि लेट्स ट्राई एंड मेक दिस प्लेस अ बेटर प्लेस, रादर देन गोइंग आउटसाइड एंड चिलिंग, लेट्स मेक दिस प्लेस अ बेटर प्लेस। थैंक यू।